किस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और इस चीज़ की भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस की समझ आ रही होगी आज जो हमने प्ले डिस्कस करना है उसका नाम है स्मोक स्क्रीन स्मोक स्क्रीन के जो राइटर थे वो थे हेरल्ड ब्रिक हाउस हैरल्ड ब्रिक हाउस ने यह प्ले लिखा था स्मोक स्क्रीन हेरल ब्रिक हाउस एटीन एटी टू में पैदा हुए थे इनकी डेथ हो गई थी नाइनटीन फिफ्टी एट में ये एक इंग्लिश प्ले राइटर थे उसके साथ साथ ये एक प्रोमिनेंट मेम्बर भी थे मैंस्टर स्कूल ऑफ ड्रामेटिस्ट के इन्होंने प्ले लिखा था स्मोक स्क्रीन जो स्मोक स्क्रीन प्ले है उसके पाँच क्रैक्टर हैं इस प्ले में पाँच करेक्टर हैं जिसमें सबसे पहला करेक्टर आ जाता है लूसी का जो कि एक सेल्फ मेड वूमेन है एक सेल्फ मेड औरत है जिसका बिजनेस होता है टैक्सी कैब का सेकंड करेक्टर आ जाता है प्रिमरोस का जो कि लूसी की बेटी है थर्ड करेक्टर है इस प्ले में सुजन जो कि लूसी की बहन है और जो फोर्थ क्रैक्टर है इस प्ले में वो है क्लैरिस का जो प्रिमरोज यानी कि जो लूसी की बेटी है उसकी दोस्त होती है फिफ्थ क्रैक्टर जो है इस प्ले में वो है जोन का जोन जो है वो क्लैरिस का भाई है प्ले स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है कि जो सुजन है वो एक शादीशुदा औरत है जिसकी उम्र पचास साल होती है और वो एक एन में काम करती होती है और एन का नाम होता है एन जी इंटरनेशनल पीस सोसाइटी वो उसमें काम करती होती है वो अपनी बहन लूसी से मिलने लंदन आती है लेकिन उसे अपनी जो भांजी है ना उसकी आदतें नहीं पसंद होती मतलब उसे प्रिमरोज़ की हैबिट्स नहीं पसंद होती प्रिमरोज जो है वो लाइट लेट नाइट क्लब से आती है घर पे देर से आती है सिगरेट पीती है और उसके साथ साथ हर वक्त लिपस्टिक लगा के रखती है और जो सूजन होती है वो ना थोड़ी नैरो माइंडेड किस्म की होती है औरत इसलिए उसे यह सब कुछ नहीं पसंद आता और अक्सर अवत सूजन जो अपने जो है ना वो अपनी बहन लूसी से इस मामले में बहस भी करती है कि तुमने अपनी बेटी की तरबियत नहीं सही तरह से की है जो सूजन होती है वो लंदन मिलने आती है अपनी बहन से तो उसी दिन रात को जो पिप होती है ना वो अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग जा रही होती है नाइट क्लब में तो जो सूजन होती है वो उसका बैग छुपा लेती है वो एक सोफे पर बैठी होती है वहीं पर अपनी भांजी का बैग छुपा लेती है और जो प्रिमरोज़ होती है उसे अपने बैग की तलाश होती है वो अपने बैग को ढूंढ रही होती है क्योंकि जो उसके उसका बैग होता है ना उसके बैग में उसकी लिपस्टिक होती है सिगरेट होती है और कुछ कैश अमाउंट होती है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रिमरोज़ थी उसके बैग में कितनी अमाउंट थी तो उसके बैग में थ्री पाउंड्स कैश के थे कैश थे थ्री पाउंड्स कैश अमाउंट थी जिसकी वजह से उसे अपने बैग की ज़रूरत होती है फिर बिना उसका पता चल जाता है कि उसकी हाला ने उसका बैग छुपाया है तो वो बैग लेती है और वहाँ से चली जाती है जब वो बैग लेकर चली जाती है तो सुजन अपनी बहन के साथ बहस करती है कि तुमने अपनी बेटी की तबीयत नहीं सही तरीके से की जो लूसी है वो एक सेल्फ मेड वूमेन है जिसका टैक्सी कैब का बिज़नेस है उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ली थी क्योंकि वो उसके साथ सिलसे नहीं था मतलब उसके साथ सन्सियर नहीं था इसलिए उसने उसके उससे डाइवोर्स ले ली थी जब उसने अपने शोहर से डाइवोर्स ले ली थी तो उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था टैक्सी कैब का तो इस वजह से उसने अपनी बेटी को कभी टाइम नहीं दिया और सारा ही टाइम वो अपने बिज़नेस को देती रही है और ज़्यादा इम्पोट अपनी बेटी को इग्नोर करती रही है और बिज़नेस को इम्पोर्टेंस देती रही है इसकी वजह से जो प्रेम रोज़ है वो अपनी माँ को नहीं पसंद करती होती और जो उसकी बहन है सूजन वो भी यही कहती है कि तुमने अपनी बेटी की तरबियत नहीं सही तरीके से की तो जो लूसी है वो उसे बताती है कि मतलब मैंने जिस तरह से अपनी बेटी की तरबियत की है वही ठीक है मतलब उनके दरम्यान काफ़ी बहस होती है एक तो ये कि उसने अपनी बेटी को टाइम नहीं दिया हुआ था दूसरा उसका और अपनी बेटी, उसकी बेटी के दरमियान सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि उन दोनों के ख्याल नहीं मिलते होते शादी के मौजू पर दोनों की शादी के बारे में मुख्त होते हैं जो प्रिमरोज है वो पसंद करती होती है अपनी दोस्त के भाई को जो कि बहुत किस्म अगली किस्म का इंसान है और फुटबॉल प्लेयर है उसके साथ साथ उसका बिज़नेस है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो प्रिमरोज है वो अपनी दोस्त को कहती है कि तुम जाओ और जाके मेरी हाला और मेरी माँ को बताओ कि मैं तुम्हारे भाई जॉन से शादी करना चाहती हूँ वो जाती है क्लैरिस उसकी माँ और हाला के पास और जाके उन्हें बताती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और अपने भाई के बारे में सब कुछ बताती है तो इतनी देर में प्रिमरोज़ भी आ जाती है और आके अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर देती है वहाँ पे आके घर अपनी माँ को और अपनी हाला को बताती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ जौन के साथ तो जो प्रिमरोज़ की माँ आती है वो अपनी फीलिंग्स को छुपाती है मतलब वो चाहती है कि वो ऐसा ना करे उसकी बेटी लेकिन वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती उन्हें हाइड करती है उस टाइम और लेकिन वो उससे बात भी करना चाहती होती है लेकिन जब वो बात करना करने लगती है तो प्रिम रॉस जो होती है ना वो कहती है कि जॉन जो, जो है वो मेरा डाइनिंग रूम में वेट कर रहा है और मैं जा रही हूँ और ये कह कर वो चली जाती है ये था प्ले इन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थीम्स डिस्कस करेंगे मैं आपसे इसके थीम्स शेयर करूँगी कि इस प्ले में कौन कौन से थीम्स हैं जो ये ये जो प्ले है इसके पेपर में सभी पूछी जाती है और इसके अलावा इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी उसकी वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इसके में कि इस प्ले में से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो इस प्ले में से आते हैं वो है इसकी सबरी आ जाती है करैक्टर स्केच पूछा जाता है, है प्रिमरोज का या लूसी का इन दोनों में से किसी एक का करैक्टर स्केच पूछा जाता है कि इन दोनों का देखो ये मतलब करैक्टर स्केच बता दें तो उसके साथ साथ इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है थीम्स के रिलेटेड के इसके थीम्स क्या थे तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो उसके थीम्स के रिलेटेड होगी और उसके शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड होगी इन शह इन बहुत जल्द मैं भी वीडियो आपसे शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के मेरे लेक्चर की समझ आई होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जजाकला है